क्यों जी भाभी, क्या हो गया? क्यों रो रहे गड़े तू? जान तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक बात याद रखो, कैसा रहता तुम धर्म की राजनीति पे आ गए थे। तुम हमको 15 सेकंड की धमकी दे रहे थे, तुम बोल रहे थे पाकिस्तान चल जाओ, लेकिन पब्लिक को तुम्हारा नाटक समझ में आ गया था क्या? बस ये धर्म की राजनीति है, इसमें कुछ काम की बात है ही नहीं। राजनीति करने का है तो संविधान को लेकर चलना पड़ेगा, और चुनकर आने का है तो सबको लेकर चलना पड़ेगा और सबको एक समान समझना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम आ गए थे जातिवाद पे, वैसा ताल नहीं आता ना। और तुमको हमने कितना सपोर्ट करे थे, तुमको उस बात का भी ख्याल नहीं। तुमने हमारे को धोखा दिए, तुमको हमने इतनी मेहनत से इतनी दुआओं से चुनकर लाए थे, तुम्हारे पोस्टर लगा दिए थे, तुमको टोपी पहना के ऐसा लग रहा था तुम हाजन उमरज करके आ रहे, तुम सना भाभी लग रहे थे, अनोर अफी भैया लग रहे थे, लेकिन तुमने हमको ऐसा धोखा दिए, फिर हम भी क्या करेंगे बाबा? अब तुमको एहसास होगा वो बात का, कैसा जब बहुत अमीर इंसान एकदम से गरीब हो जाता ना, जुए में पूरे पैसे हर के, जब उसको एहसास होता कि मेरे पास क्या था और क्या चलेगा करके मेरे पास से। हम कुछ भी नहीं बोलते, अब दाल आटे का भाव तुमको मालूम पड़ेगा। और हमारे बल्लू भाव को सीधा ही छो गया। बल्लू भाव डीजे लगाओ।